नमस्कार, एजुकेशन मित्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ त्रिलोक और आप देख रहे हैं एजुकेशन मित्रा। आज हम 7 दिसंबर 2018 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का पहला सवाल है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को झंडा दिवस है वो हमारे देश की सेना के लिए मनाया जाता है और ये 1949 से लगातार मनाया जा रहा है। और इससे अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप इंडिया केयर कैपिटल शिखर सम्मेलन 2018 किस राज्य में आयोजित किया गया। तो इसमें ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गोवा, हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गोवा। तो गोवा के अंदर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और गोवा सरकार ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये 3 दिसंबर से शुरू हुआ था और कल 7 दिसंबर को समाप्त हो गया था। और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आप मनोहर परिकर हैं, वो आप जानते ही हैं। तो इसका जवाब गोवा होगा। अगला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 2018 को किन 2 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। तो ऑप्शन ए है पंजाब व मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना व राजस्थान, ऑप्शन सी है राजस्थान व मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश व तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है राजस्थान, तेलंगाना और राजस्थान। तेलंगाना और राजस्थान में आज चुनाव संपन्न हुए और राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। एक सीट पर किसी प्रत्याशी की मृत्यु की वजह से, यानी अलवर की जो रामगढ़ सीट है उस पर चुनाव है वो नहीं हुई। राजस्थान में लगभग 72% मतदान हुआ, जो कि अंतिम आंकड़े हैं वो अभी आए नहीं हैं। और तेलंगाना में 119 सीटों पर लगभग 67% है वो मतदान हुआ। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम, अरविंद पनगड़िया या राजीव कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को आज है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति इंडियन स्कूल्स ऑफ बिजनेस हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अब इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। इनका कार्यकाल है वो 3 साल का होगा और इनसे जो पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे वो अरविंद सुब्रमण्यम थे, यानी अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था समय से पहले ही, यानी कार्यकाल पूरा नहीं किया था। और जो अब नए बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनका कार्यकाल है वो 3 साल रहेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है राज्य सरकार ने किस राज्य की राज्य सरकार ने 1771 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब की जो सरकार है उसने ये वादा किया है कि वो किसानों का कर्ज है वो माफ़ करेंगे और जल्द ही उनके खातों में ये पैसा आ जाएगा। 1-2 दिन में पैसा देने की बात कही है। तो ये करंट अफेयर्स में मुख्य क्वेश्चन बनता है कि किस सरकार ने ऐसा किया है। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6 कि किस देश के वैज्ञानिकों ने रीराइटेबल पेपर बनाए हैं, यानी कागज़ बनाए। तो इसका सही जवाब है चीन। चाइना के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दोबारा लिखने वाला पेपर बनाया, यानी एक बार लिखने के बाद उस पेपर को वापस लिख सकते हैं। चीन की फुजियान नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने ये बनाया है। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल एजुकेशन मित्रा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अपने कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।